सैमसंग फोन में नेविगेशन बार को चेंज कैसे करते हैं। सबसे पहले आप सेटिंग को ओपन कीजिए। यहाँ पर आपको डिस्प्ले पर क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए। यहाँ पर नेविगेशन बार करके है, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलते हैं। पहला है बटन, ये रिसेंट बटन है, ये होम बटन है, ये बैक बटन है। लेकिन आप स्वाइप का अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, स्वाइप जेस्चर का यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इसे क्लिक कर दीजिए। अब आपको होम पे जाना है, तो जैसे आईफोन में स्वाइप करते हैं ऊपर की तरफ, वैसे ही आप स्वाइप करेंगे तो होम पर आ जाएंगे। और ये लेफ्ट साइड और राइट साइड बैक के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। और रिसेंट टैब के लिए आप यहाँ पर इस तरह से क्लिक करके रिसेंट टैब पर आ सकते हैं। इस तरह से होम बटन को आप इस तरह से प्रेस करके रखेंगे तो सभी टैब आपके ओपन जो हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। तीसरा है बटन ऑर्डर। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, ये रिसेंट बटन इस साइड है, होम बटन इस साइड है और बैक बटन इस साइड है। बाएं हाथ से अगर आप ज़्यादा यूज करते हैं तो आप इसे यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपका बैक इस साइड हो जाएगा, रिसेंट इस साइड और होम होम रहेगा। तो इस तरह से आप नेविगेशन बार को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे यूजफुल जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।